बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई है, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, जी, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो, बोलने दो। जी जी, तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर परिवार वालों से आपसे बात नहीं हुई है, किसको दोषी मानते हैं? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर जी। देखिए परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ।